हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट चैनल। दोस्तों, प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं फिजिकल एजुकेशन कम्पिटिटिव एग्जाम्स TJT, PGT, KBS, NBS, CLT में। उन सभी क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। दोस्तों, यह सीरीज नंबर 69 है। एंड दोस्तों, एथलेटिक्स से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वीडियो में बताया जाएगा। एंड दोस्तों, यदि आप इन सभी एग्जाम्स का प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर सभी वीडियोज सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। उन सभी वीडियोज को वॉच करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन बना सकते हैं। एंड दोस्तों, डेली बेसिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उसका प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों, एथलेटिक्स रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई खेल सामग्रियों का वजन के अनुसार घटता क्रम है। ऑप्शन है डिस्कस थ्रो यानी चक्का फेंक, डिस्कस, दूसरा गोला यानी शॉट पुट, तीसरा भाला यानी जेवलिन। इसमें आपको वजन के अनुसार घटते क्रम में सजाना है, यानी कि बड़े से छोटे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि डिस्कस थ्रो का, डिस्कस यानी चक्का का वजन कितना होता है। तो इसमें पुरुषों के लिए 2 किग्रा होता है और महिलाओं के लिए 1 किग्रा। एंड गोला फेंक 60 फुट का वजन होता है पुरुषों के लिए 7.260 किलोग्राम एंड महिलाओं के लिए 4 किलोग्राम। एंड भाला फेंक जेवलिन थ्रो जो होता है वह पुरुषों के लिए 800 ग्राम एंड महिलाओं के लिए 600 ग्राम का होता है। तो इसमें आपको बड़े से छोटा यानी घटते क्रम में लिखना है, सेटल करना है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा कौन है, गोला यानी 60 फुट, इसका वजन 7.26 किग्रा होता है। उसके बाद उसके बाद डिस्कस का होता है गोला का 2 kg वजन। उसके बाद होता है भाला फेंक, भाला का जो 800 ग्राम होता है, यानी पहले गोला फिर डिस्कस फिर भाला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैराथन दौड़ में किसी धावक द्वारा तय की गई मानक दूरी होती है तो कितना होता है। जैसा कि आपको सबको पता है 42.195 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 42.195 किलोमीटर यानी 26 मील 385 गज होती है। दोस्तों, मैराथन दौड़ में एक रिफ्रेशमेंट एरिया होता है, अल्पाहार केंद्र, ये प्रत्येक 5-5 किलोमीटर पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैराथन दौड़ में रिफ्रेशमेंट स्टेशन होते हैं कितनी दूरी पर होते हैं। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा, प्रत्येक 5 किलोमीटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस खेल में विजेता को भारत केसरी की उपाधि दी जाती है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कुश्ती के विजेता को भारत केसरी की उपाधि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 400 मीटर ट्रैक में 1.22 मीटर चौड़ी लेन का तीसरा स्ट्रेगर कितना होता है। तो दोस्तों, स्ट्रेगर ज्ञात करने का सूत्र होता है, स्ट्रेगर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, W(n-1)-10)2π 400 मीटर ट्रैक का। एंड 200 मीटर ट्रैक का सूत्र होता है W(n-1)-10π 200 जाएगा। यानी यहाँ पे क्या पूछा है कि 400 मीटर ट्रैक में 1.22 मीटर चौड़े लेन का तीसरा स्ट्रेगर कितना होता है। तो दोस्तों, पहला स्ट्रेगर 0 होता है, 0 मीटर। दूसरा स्ट्रेगर होता है 7.04 मीटर और यहाँ पे तीसरा स्ट्रेगर पूछा है। तो आपको याद रखना है दूसरा स्ट्रेगर, पहला स्ट्रेगर तो दोनों का 0-0 होता है, बट दूसरा स्ट्रेगर आपको याद रखना है 400 मीटर ट्रैक का 7.04 मीटर।
अब इसी में आप हर बार 7.67 जोड़ते जाएंगे तो आपका आ जाएगा, यानी कि 7.04 मीटर में यदि आप 7.67 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 14.71 मीटर आ जाएगा। यानी कि हर बार आप 7.67 जोड़ते जाएंगे तो आपका अगला स्ट्रेगर का लाइन का स्ट्रेगर पता चल जाएगा। वहीं पे दोस्तों यहाँ पे क्या है, तीसरा लाइन पूछा है, तीसरा स्ट्रेगर की दूरी तो 14.71 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वहीं पे यदि 200 मीटर ट्रैक में लेन की दूरी पूछता, तीसरा चौथा पांचवा की कोई भी लेन, तो उसमें आप जैसे कि पहला लेन की दूरी 0-0 होता है एंड दूसरे लेन की दूरी हो जाएगी 200 मीटर हाफ स्ट्रेगर में 3.52 मीटर, और उसी 3.52 मीटर में हर बार 3.84 जोड़ते जाएंगे तो आपका नेक्स्ट स्ट्रेगर की दूरी पता चल जाएगा। क्योंकि जब आपको स्ट्रेगर निकालने नहीं आता है तो इस प्रकार से ट्रिक अपनाकर आप नेक्स्ट स्ट्रेगर का लाइन की दूरी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 400 मीटर दौड़ में दौड़ के दूसरी लेन का स्ट्रेगर क्या होता है। जैसा कि दोस्तों मैं बताई कि प्रथम लेन का स्ट्रेगर 0-0 मीटर होता है, दूसरे लेन का स्ट्रेगर 7.04 मीटर होता है, ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 मीटर की दौड़ में धावक को क्या दिया जाता है। तो 200 मीटर की दौड़ में धावक को हाफ स्ट्रेगर दिया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धावन पथ में एक लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। तो एक धावन पथ में एक लाइन की जो चौड़ाई होती है 1.22 मीटर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 400 मीटर ट्रैक के चौथे स्ट्रेगर कितनी दूरी पर शुरुआत पंक्ति में लगाया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि 400 मीटर ट्रैक में दूसरा स्ट्रेगर, पहला 0-0 होता है, दूसरा 7.04 मीटर होता है, और अभी जस्ट 2-3 क्वेश्चन के पहले तीसरे स्ट्रेगर का हम लोग निकाले थे 14.71 मीटर, और यहाँ पे चौथे स्ट्रेगर का पूछा है तो तीसरे का जब 14.71 मीटर है तो उसी में 7.67 हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, जोड़ने पर आपका आ जाएगा 22.38 मीटर, यानी कि चौथे स्ट्रेगर की दूरी हो जाएगा 22.38 मीटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रैक में एक लेन की चौड़ाई कितनी होगी। तो ट्रैक में लाइन की जो चौड़ाई होती है वो 1.22 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक धावन पथ में 200 मीटर स्प्रिंट के लिए पांचवा स्ट्रेगर शुरुआती लाइन से कितनी दूरी पर लगाया जाता है। तो दोस्तों 200 मीटर ट्रैक में आप यदि 400 मीटर ट्रैक का निकाल लिए हैं तो जो आपके 400 मीटर दौड़ में पांचवा स्ट्रेगर होगा उसका जस्ट 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं निकाल सकते तो 200 मीटर का पहले लेन 0-0 मीटर होता है और दूसरा लेन 3.52 मीटर होता है, आपका दूसरा लेन याद रखना है, और उसी में हर बार दूसरा लेन होता है 3.52 मीटर और उसी में हर बार 3.84 मीटर जोड़ते जाना है। तो यहाँ पे पूछा है आपका पांचवा स्ट्रेगर, तो इसमें पांचवा स्ट्रेगर पूछा है तो आप दूसरा स्ट्रेगर लिख करके 3.52 मीटर में आप तीन बार इसका उसमें जोड़ देंगे 3.84 मीटर तो आपका पांचवा स्ट्रेगर आ जाएगा।
यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 15.02 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष त्रिकूद में टेक ऑफ और अखाड़े के बीच की दूरी कितनी होती है। तो दोस्तों ट्रिपल जंप में लैंडिंग एरिया से अखाड़े यानी कि जो टेक ऑफ बोर्ड की दूरी होती है वो 13 मीटर होती है पुरुषों के लिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और वही महिलाओं के लिए कितना होता है, 11 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपल जंप प्रतियोगिता में टाई को ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अगले स्टेप निष्पादन पर विचार किया जाएगा। यानी कि ट्रिपल जंप प्रतियोगिता में यदि किसी स्थान के लिए कूदने वालों के बीच टाई हो जाए तो उन कूदने वालों की दूसरी सर्वोत्तम कूद के आधार पर स्थानों का निर्णय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी कूद में प्रथम स्थान के लिए टाई है और दोनों का पिछला कूद भी बराबर है तो क्या निर्णय होगा। यानी प्रथम स्थान भी टाई है, दूसरा कूद भी, पिछला कूद भी टाई है, बराबर है तो क्या होगा कि दोनों को एक कूद का मौका प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों को एक कूद का मौका प्रदान किया जाएगा तथा उसमें सर्वोत्तम कूद के आधार पर स्थानों का निर्णय किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, लंबी कूद में टाई को ब्रेक करने के लिए क्या किया जाएगा। दोस्तों ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चंस, तो यहाँ पे टाई को ब्रेक करने के लिए अगले शेष निष्पादन पर विचार करना होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी कूद के गिरने का परिक्षेत्र कितना होता है, यानी लैंडिंग एरिया कितना होता है लंबी कूद का। तो लंबी कूद का लैंडिंग एरिया होता है 9×2.75 मीटर। कितना होता है, 9×2.75 मीटर होता है। एंड दोस्तों ट्रिपल जंप का भी इतना ही होता है, लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप दोनों का मेजरमेंट सेम होता है, बट अंतर सिर्फ इतना होता है कि लैंडिंग एरिया से टेक ऑफ बोर्ड की दूरी ट्रिपल जंप में 13 मीटर पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 11 मीटर होता है, जबकि लॉन्ग जंप में लैंडिंग एरिया से टेक ऑफ बोर्ड की दूरी 1 मीटर होता है। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्लास्टिक साइन इंडिकेटर जो बोर्ड होता है वो लॉन्ग जंप में देखा जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौड़ने के लिए बनाए गए पथ की स्टैंडर्ड माप क्या होती है। तो दोस्तों दौड़ने के लिए बनाए गए स्टैंडर्ड माप 400 मीटर दौड़ होती है। एंड दोस्तों 400 मीटर, 200 मीटर, 800 मीटर का भी ट्रैक होता है, बट स्टैंडर्ड माप जो होता है 400 मीटर ट्रैक को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कूद वाली प्रतियोगिताएं कौन सी हैं, भाला फेंक, 100 मीटर दौड़, चक्का फेंक, लंबी कूद। तो दोस्तों यहाँ पे लंबी कूद आपका थ्रोइंग इवेंट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई जंप के लिए लैंडिंग एरिया होती है कितना होता है, 5×3 मीटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, हाई जंप के लिए लैंडिंग एरिया 5×3 मीटर। ठीक है, एंड दोस्तों पोल वॉल्ट यानी बांस कूद के लिए 5×5 मीटर होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। एंड जो रनवे होता है दोस्तों वो हाई जंप के लिए 15-20 मीटर होता है एंड लॉन्ग जंप एंड ट्रिपल जंप के लिए 40-45 मीटर होता है एंड बांस कूद यानी कि पोल वॉल्ट के लिए भी 40-45 मीटर होता है, बट हाई जंप के लिए 15-20 मीटर होता है। नेक्स्ट है, ऊंची कूद प्रतियोगिता का लैंडिंग क्षेत्रफल होना चाहिए, ये तो वही क्वेश्चन हो गया 5×3 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक इसका आंसर दीजिएगा कि 100 मीटर दौड़ के दौरान आरंभ से अंत तक इन्हें अनुक्रम में
व्यवस्थित कीजिए। ये है अनुरक्षण चरण यानी रिएक्शन मेंटेनेंस फेज, बी है गतिवर्धन चरण यानी एक्सेलरेशन फेज, सी है प्रतिक्रिया समय यानी रिएक्शन टाइम, और डी है प्रेरक यानी स्टिमुलस। तो आपको इसको एक अनुक्रम में सीक्वेंस में आपको व्यवस्थित करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले स्टिमुलस होगा, प्रेरक होगा, मोटिव होगा, उसको सुनकर हम प्रतिक्रिया करेंगे। तो पहला स्थान पर आपका प्रेरक स्टिमुलस हो जाएगा और दूसरे स्थान पर आपका हो जाएगा रिएक्शन टाइम यानी प्रतिक्रिया समय। उस प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन के बाद हम तेज गति से आगे बढ़ेंगे यानी कि एक्सीलरेशन चरण आएगा यानी गतिवर्धन चरण, और लास्ट में आएगा अनुरक्षण चरण यानी मेंटेनेंस पेस। यानी सबसे पहले हमको एक बंदूक की आवाज दागी जाती है, उससे सुनकर हम प्रतिक्रिया करते हैं, फिर तेजी से दौड़ते हैं कुछ 25 से 30 मीटर तक एंड 5 से 6 सेकंड तक तेजी से दौड़ते हैं, जिसे एक्सीलरेशन चरण कहा जाता है। उसके बाद एक मेंटेन बना के चलते हैं समान गति से, तो ये आपका चरण दर चरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, 110 मीटर की बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों सभी 110 मीटर, 100 मीटर, 400 मीटर पुरुष, 400 मीटर महिला, इन चारों में बाधाओं की संख्या 10 होती है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जबकि स्टीपल चेज में 35 बाधाएं होती हैं, पानी बाधा दौड़ में 28 बाधा दौड़ और 7 जल कूद पानी बाधा दौड़ होते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप कि दोस्तों सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए दोस्तों, जिससे मुझे एक नया मोटिवेशन मिलता रहे। आपके लिए मैं डेली बेसिस पे वीडियोज बनाती रहूँ। एंड दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।